एवरीवन, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ब्रिंजल प्लांट यानी बैगन प्लांट को कैसे केयर करना है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपना गार्डन दिखा रहा हूं और टेरेस पे लगाया हूं, और जो भी प्लांट का जो अपर पार्ट है ब्रिंजल प्लांट का आपको इसी तरह कट कर देना है। तो देखिए मैं तो ज़्यादा नहीं लगाया हूँ, 7-8 प्लांट लगाया हूँ, और अपर जो पार्ट है उसको आपको कट कर देना है। और इसको कट करने से क्या होता है ना, प्लांट का जो और भी जो अगर जो पीला कलर का पत्ता है उसको भी आपको काट के फेंकना है। और जो अपर पार्ट कट करने से क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रूट अच्छी तरह से ग्रो होता है, और अगर आप इस तरह का कट नहीं करेंगे तो प्लांट क्या होता है भूसी हो जाएगा और जंगली हो जाएगा। और ग्रो तो होगा लेकिन प्लांट अच्छा पत्ता ग्रो करेगा लेकिन फ्रूट अच्छी तरह से ग्रो हो नहीं पाएगा और सारा प्रोटीन पत्ता को चला जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको प्लांट को केयर करना है, कोई भी प्लांट हो, चाहे टमाटर का प्लांट हो, ब्रिंजल प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आपको ताड़ छाट करना बीच बीच में करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप करेंगे तो प्लांट का जो फ्रूट पार्ट है अच्छी तरह से ग्रो भी होगा और फंगस भी नहीं लगेगा। तो देखिए, और देखिए मेरा सारे और भी जिस प्लांट में अगर इस तरह का फूल आ रहा है और फ्रूट आ रहा है तो साइड में अगर इस तरह का छोटा पार्ट है आपको इसी तरह कट करना है, तो ताकि फ्रूट भी अच्छी तरह से ग्रो होगा, फूल भी ग्रो होगा। और इस तरह का पीला कलर का भी पत्ता है तो आपको इसको काट के फेंकना है, आप कैंची से भी काट सकते हो, तो मैं नरम है इसीलिए मैं हाथ से काट देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह का आपको कट के फेंकना है, नहीं तो क्या होना जंगली हो जाएगा और प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो नहीं पाएगा। तो देखिए मैं सारे प्लांट को इसी तरह चेक करता हूँ, और मैंने पहले थोड़ा बहुत कर लिया था और आपको दिखाने के लिए आपको बस इस तरह का दिखा रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा बहुत रखा था। तो देखिए इसमें भी थोड़ा भी अगर डाउट हो रहा है, अगर पीला या काला किस तरह का पत्ता है, कीड़ा लग जाता है, इसीलिए आपको इस तरह का काट के फेंकना है। तो देखिए ये भी पीला हो गया इसीलिए मैं काट के फेंक रहा हूँ। तो ये भी देखिए पीला हो गया, बीच बीच में ताड़ छाट करना पड़ेगा, तो क्योंकि इसी तरह से करने से अच्छी तरह से ग्रो होता है। और भी आपको इसी तरह से थोड़ा बहुत खुदाई करना पड़ेगा ताकि मिट्टी तो मेरा गीला है और हल्का हो जाएगा इस तरह का खुदाई करने से। तो देखिए और इस तरह का पत्ता थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो इस तरह का काट के फेंक दीजिए। और भी मैं आपको अपर पार्ट दिखाया और मिडिल वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट आपको दिखाता हूँ, और इसमें तो ठीक ठाक है, मैंने कर दिया था। अगर इसमें भी साइड में थोड़ा सा अगर ब्रांचेस निकल जाता है या कोई भी इस तरह का पत्ता है तो आपको काट के फेंकना चाहिए, तो मैंने पहले से काट दिया था, बस आपको दिखा रहा हूँ और ठीक ठाक है। जैसे आपने YouTube में देखा होगा, YouTube में क्या 2G 3G कटिंग करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी होगा, और इसी तरह आपको कटिंग करना है। और मेरा तो क्लियर है अभी, तो ठीक ठाक है। बड़ा वाला पॉट में भी कुछ धनिया डाल दिया था, वो भी ग्रो हो गया, और बैंगन प्लांट भी लगा, उसको भी ताड़ छाट करता हूँ, उसको केयर करने से प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।